माता रानी की शरण में पहुंच गए ब्रिजभूषण शरण सिंह, भक्ति में लीन, देवी माँ के भजन कीर्तन में मंजीरा बजाने में व्यस्त है। कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले तो बीजेपी ने अभी तक इस सीट से अपना प्रत्याशी तय नहीं किया है, अब तो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र भी रिलीज कर दिया। प्रत्याशियों के नाम की 10 सूचियां निकाली जा चुकी हैं, लेकिन अफसोस इसमें ब्रिजभूषण का नाम कहीं नहीं है। वही ब्रिजभूषण शरण सिंह जो इस वक्त कैसरगंज से बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के टिकट के लिए परेशान घूम रहे हैं। शायद यही वजह है कि ब्रिजभूषण अब माता रानी के दरबार पहुंचे हैं और यहां भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है, साथ ही सबको नवरात्रि की बधाई दी है। वहीं दूसरी तरफ घूम घूम कर प्रचार कर रहे ब्रिजभूषण एक और मुश्किल में फंस गए, जब उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया। दरअसल ब्रिजभूषण अपने गाड़ियों के लंबे चौड़े काफिले के साथ शहर के बीचों बीच सड़क पर निकले थे और काफिले की यही शोशेबाजी उन्हें भारी पड़ गई। ये तस्वीरें गोंडा की, जहां कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पूरा माहौल बनाकर पहुंचे थे, लेकिन इसकी एवज में उन्हें नोटिस जरूर मिल गया। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट का इंतजार कर रहे सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को नोटिस मिल गया। गोंडा जिला अंतर्गत बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण को नोटिस जारी हुआ है। आरोप है कि उन्होंने चुनावी आचार संहिता और धारा 144 का उल्लंघन किया है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का एक और मामला सामने आया है। एसडीएम करनैलगंज की ओर से सांसद कैसरगंज ब्रिजभूषण शरण सिंह को गुरुवार को नोटिस जारी किया गया था। पहले से मंजूरी लिए बिना एक दर्जन से अधिक वाहनों का काफिला निकालने तथा धारा 144 का उल्लंघन करने के चलते कार्रवाई की गई है। सांसद से इस संबंध में जवाब तलब किया गया है। इस मामले में थाना अध्यक्ष कटरा परसपुर करनैलगंज से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन गोंडा आदर्श चुनाव आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके उल्लंघन की दिशा में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अभी तक ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट भाजपा ने फाइनल नहीं किया है। महिला पहलवानों के शोषण का आरोप झेल रहे ब्रिजभूषण को लेकर बीजेपी दो गुटों में बटी हुई है। कहा जा रहा है कि एक गुट विपक्ष के हमले से बचने के लिए ब्रिजभूषण से दूरी बनाए हुआ है और दूसरा उनके पक्ष में है। अब ब्रिजभूषण को इन सब समस्याओं से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है और वो है देवी माँ की शरण में जाना। वैसे भी नवरात्रि के समय में हर कोई माता रानी की भक्ति में डूबा हुआ है और शायद वही ब्रिजभूषण की भी नैया पार लगा दे।